हेलो, गुड मॉर्निंग। और ये मेरे सुबह की पहली चाय आप सबके साथ। सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया। मैं आज आपके साथ ना कुछ अपनी ज़िंदगी की सच्चाई जो है, बातें जो है, वो आज शेयर करूँगी वीडियो में। मैं तो आज जो है वो है अमावस्या, मतलब कि पितृपक्ष की अमावस्या को ना, जिनके यहाँ पितृपक्ष हमारे यहाँ ना अमावस्या के दिन सब दाल, कढ़ी, चावल, दही बड़े ये सारी चीज़ें बनती हैं। और जिनके यहाँ ना 15 दिन तक हल्दी तेल यहाँ जी, मतलब जिनके पितृ को गया जी नहीं, ऐसा मान्यता है, नहीं होता तो नहीं बनता है, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन आज ये त्यौहार जो है वो बनता सबके यहाँ है। तो पहले ना मैं किचन में जाती हूँ और 2 मिनट के अंदर, मतलब मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मुझे ना बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ मैं आज, और मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि सच्चाई जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरे वीडियो पे बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपसे 2 मिनट में मिलती हूँ। तो अभी मैं यही बोलूँगी खुद के लिए भी और आपके लिए भी कि लेके अपने चेहरे पर स्माइल प्लीज़ कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब या से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। तो मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। सुबह सुबह लाइट नहीं थी और जल्दी से आज होता है ना कि खाना जल्दी बनाया जाता है। और मेरी दादी कहती कि पितर लोग को कढ़ाई जल्दी चढ़े के चाहिए, ऐसे बोलती थी। तो आज बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है। तो दही बड़े के लिए मैं यही पीस रही थी सिलबट्टे पे, लाइट थी नहीं तो मिक्सर नहीं था, मतलब कैसे करती। तो उसके बाद यहाँ पे फेट के रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, बस ऐसे दही बड़े बनाए और सब्जी, चावल, कढ़ी, फुलौड़ी वो सब बनती है, वो सारा कुछ आज बनाया है। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये दिखा दूँ। और आज मन बहुत भारी है क्योंकि मैं आज जो आपके साथ शेयर करूँगी ना, मैंने नहीं सोचा था ऐसे दिन मतलब आएंगे लाइफ में। उसके बाद ये दही है और इसमें मतलब आज ना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते रेसिपी में, तो बस बना दिया आज। सुबह के बज रहे हैं 8:30, लौकत नहीं खी है, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मतलब खाना बन गया क्योंकि आज जल्दी ही बनता है। तो आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो करूँगी। ममा अर्थ पे चल रही है बहुत बड़ी OMG सेल। तो मुझे लगा आपके सबके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए क्योंकि बचत की चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताऊँ। तो आप ममा अर्थ बाई वन गेट वन का ऑफ़र चल रहा है वहाँ पे, और आप अगर कैश करो के थ्रू लेते हैं तो उस पर आपको, और अगर आप कैश करो के थ्रू परचेज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का कैशबैक भी। साथ में ये जो सेल है वो 16 सितंबर से स्टार्ट है, तो आप जल्दी से जाइए क्योंकि अभी ना मैं कैश करो के थ्रू गई और वहाँ पे जाके मैंने अपने बेटी के लिए और अपने लिए स्किन केयर के प्रोडक्ट अभी परचेज़ किए हैं। तो मैं चलिए, और जो भी आपको कैशबैक मिलता है ना वो आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आराम से कर सकती हैं। कैश करो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको सिंपली से साइन अप वहाँ पे जाके करना है, अपना डिटेल जो है वो वहाँ पे सबमिट कर देना है, आपको फिल करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे टाइप करना है ममा अर्थ, उसके बाद ऑरेंज बटन को क्लिक करके आप पहुँच जाएंगी ममा अर्थ की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए स्किन केयर के या फिर हेयर केयर के प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकती हैं। जब आप परचेज़ करें तो OMG कूपन कोड डालना ना भूले, इससे आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो हो जाएगा और आपको माई अर्निंग में आपकी अर्निंग शो होगी। यहाँ पे आपको 250 रुपये से भी ज़्यादा का अर्निंग आप कर सकते हैं और इसको आप बैंक अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इस कैशबैक को। मेरा ना मन आज बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है। एक तो मेरे दांत में दर्द है और मैं जा भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मैं मजबूर हूँ ना कि मैं जा भी नहीं सकती डॉक्टर के पास क्योंकि कोरोना की वजह से हस्बैंड बोल रहे हैं कोई नहीं, कुछ दिन बर्दाश्त करो, दवाई खा लो। दवाई खाती हूँ फिर से वही, दोनों पता है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों, मेरा चेहरा पूरा। तो मैं 2-3 दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब है। लेकिन ना कुछ लोगों के कमेंट में मैं सोची कि स्क्रीनशॉट लगा दो, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही देती हूँ कि इतने ज़्यादा एक ही टॉपिक को लेके कमेंट आ रहे हैं कि आप गंवार हो, पागल हो, बेवकूफ़ हो, यही घर के काम करो। मतलब घर का काम करना क्या
बुरी बात है, मैं गांव से हूँ और मैं कभी मतलब शहर में नहीं गई हूँ लाइफ में, और ये सच्चाई है। और मैं कभी मतलब कि मेरा जन्म भी मतलब गांव में हुआ है, और मतलब कि मेरी शादी भी गांव में हुई है, तो मैं मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे अच्छा लगता है अपने सारे काम करना। और मतलब मैं क्या बताऊँ कि गंवार हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें इस चीज़ की सेंस नहीं है, अपना मुँह चमकाती हो, मेकअप लगाती हो, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं गंवार हूँ। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने एजुकेशन के बारे में आज आप सबसे बात करूँगी कि मैंने पढ़ाई कहाँ तक की है। ये लोग पूछ भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, और कोई ज़रूरी नहीं ना कि पढ़े लिखे लोग ना गांव में नहीं रहते, और या फिर वो घर के काम नहीं कर सकते, अपना चूल्हा चौका मिट्टी घास में। अगर होम टूर कराऊँगी फिर आप सब मेरा घर देखिएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं ना। मैं बाहर इसलिए वीडियो बनाती हूँ ना कि अंदर ना लाइट नहीं रहती, और उतना ज़्यादा लाइट मतलब व्यवस्था नहीं है, तो फिर वीडियो नहीं बन पाती है। तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके आप सबको बताऊँ तो मैं ना ग्रेजुएट हूँ, मतलब मैंने बीए किया है, और वो भी समाजशास्त्र से। तो ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और जब मैं इंटरमीडिएट में थी ना तो मेरी शादी हो गई थी, मतलब उससे पहले जैसे मेरा 2010 में मेरा कंप्लीट हुआ था 12वीं, उसके बाद मैंने गैप लिया, क्योंकि उसके जस्ट एक साल बाद मेरी बेटी हो गई, और तो बेटी बहुत छोटी थी तो मुझे उसको टाइम देना था, तो मैंने थोड़ी टाइम के लिए अपनी पढ़ाई जो है वो ब्रेक कर दी। और फिर मैं उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी मैं बीएड भी करने वाली थी, बट किसी वजह से किसी कारणवश मैं आगे पढ़ाई अपनी नहीं कर पाई। और तो ऐसा बोलना कि इसको कुछ नहीं आता, इसको सहूर नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे लोग आप सब बोलते हैं ना, सच में मैं भी इंसान हूँ ना, मुझे भी तो तकलीफ़ होती होगी। दो बातों को लेके आपके इतने कमेंट है, एक शादी को लेके और एक ये मेरे को लेके। तो शादी वाले के ऊपर तो मैं वीडियो बनाऊँगी ही बनाऊँगी, लेकिन बहुत हर्ट होता है ऐसी बातें कि पागल हो, अनपढ़ हो, ये हो, और ये आप सभी नहीं बोलते हैं। और पता है ये कमेंट सिर्फ आप ही के नहीं हैं, ये कमेंट मुझे पूरी ज़िंदगी में बाहर में मैं कहीं भी आती हूँ जाती हूँ लाइफ में, तो ये सुनने को मिलता है कि तुम यही हो, तुम्हें यही मिलना चाहिए था। तो वो बातें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, तो मैं चाह रही थी आप सबसे ये बातें शेयर करना। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, तो मुझे लगा आज आप सबसे बात मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो, मेरे परिवार हो। यूट्यूब मेरा पूरा ये 20K सब्सक्राइबर आप सब मेरा परिवार हो, और मैं चाहती हूँ कि आप सबसे मैं कुछ नहीं छिपाऊँ। तो बस आप सब जानना चाह रहे थे, तो मैंने बता दिया कि मेरे एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई मैंने कहाँ तक किया है। हाँ, मैंने शहर में रह के पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि मैं गांव में ही मतलब बचपन में अपने गांव के स्कूल में पढ़ते थे, और 8वीं मतलब जब गए तो दो गांव के पास एक स्कूल था, वहाँ पे 12वीं तक मैंने वहाँ एक ही स्कूल में पढ़ाई की, हाई स्कूल है हमारे यहाँ। मैं कभी अगर मायके गई लाइफ में ना, तो मैं आपको अपना स्कूल ज़रूर घुमाने के लिए लेके चलूँगी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने यहाँ आई तो फिर मेरी बहुत जल्दी मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, फिर बेटी, और फिर उसको संभालना करते करते फिर बाद में मैंने ग्रेजुएशन अपना जो है वो कंप्लीट किया, और मैंने बहुत अच्छे मतलब कि बहुत अच्छे नंबर से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, समाजशास्त्र से और हिंदी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो मुझे ये नहीं लगता, हाँ मैं कुछ ज़रूर बनना ज़रूर लाइफ में चाहती थी, वो नहीं बन पाई वो बात अलग है, लेकिन जो मतलब होता है ना कि किस्मत में हो, और माँ जो किस्मत में हो वही होता है, तो मैं नहीं बन पाई जो बनना चाहती थी। लेकिन हाँ, ये बोलना कि पागल है, गोबर गोईठा करती है, तो ये तो मेरी ज़िंदगी है, मैं इससे दूर कहाँ भाग के जा सकती हूँ, ये तो मुझे करना ही है। और पता है ये कमेंट में ही नहीं बल्कि मुझे पूरे लाइफ में ये बातें सुनने को मिली है कि तुम यही डिज़र्व करती हो, यही ज़िंदगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म की बात है। अपना घर का काम करना, अपना अपने फैमिली को देखना, अपनी बेटी को देख। कल मैंने मिट्टी वाली जो वीडियो बनाई ना मिट्टी खेलते हुए, उस पर इतने सारे कि तुम मिट्टी कैसे करती हो और कैसे मतलब सान रही हो, ऐसे कर रही हो वैसे कर रही हो, मैंने रिमूव कर दी वो कमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब चुभने लगते हैं ऐसी बातें।
तो क्या मैं मिट्टी तो मतलब वो तरसते ही हैं लोग उस चीज़ के लिए। हम लोग बचपन में ऐसे ही खेला करते थे और गांव के लोग गांव के तरीके से ही रहेंगे और शहर के तरीके की तरह तो नहीं हो जाएंगे। तो सो मैं ऐसी ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे लिखने नहीं आता। तो ये ना सब लोग मतलब ये YouTube पे ही नहीं, बहुत सारे लोग मतलब मुझे ऐसे कमेंट मतलब बातें बोलते हैं कि तुम अनपढ़ हो, तुम यही कर सकती हो, तुम यही डिज़र्व करती थी, मतलब ऐसी ऐसी बातें। कितना ज़्यादा मतलब कष्ट होता है मन को। मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, मतलब मन एकदम ना भारी हो गया था। और मैं हाँ, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, जब मैं इंटरमीडिएट में थी तभी हो गई थी। हाँ, और मैं उतना ज़्यादा तो बस मैं उम्मीद करूँगी कि अब आप सब ये नहीं बोलेंगे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं कि हम अपने काम छोड़ दें और या फिर अपनी मिट्टी से दूर हो जाएं, अपना जो ज़मीन होता है उसको छोड़ दें। सबका अपना अपना किस्मत होता है, कोई कम पढ़ा लिखा भी है और कोई पढ़ के भी नहीं पढ़ा लिखा होता है। और लाइफ है ये ऊपर नीचे होती रहती है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, सबको सब कुछ लाइफ में नहीं मिलता है ज़िंदगी में। तो मैं उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके इस तरह के कमेंट तो ना ही आएंगे। और बस ये थी आज की मेरी वीडियो। आज अमावस्या है तो हमारे यहाँ पंडित जी मतलब मायके में मेरे दादा मतलब मेरे बाबा नहीं है, तो वहाँ पे सब पितृ विसर्जन वगैरह होता है। उसके बाद पंडित जी आते हैं, पाड़े बाबा हमारे यहाँ, वो खाते पीते हैं मतलब कि खिलाया जाता है ब्राह्मण को, तो ऐसा सब होता है। यहाँ भी होता था लेकिन हमने मतलब गया जी हमारा मतलब यहाँ भी होता था बट गया जी का हो गया तो फिर यहाँ नहीं होता। लेकिन हाँ, ये अमावस्या तो हर जगह मनता है, तो मैंने बस वही किया। अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, थोड़े जो काम है वो कर लेती हूँ। कल की जो वीडियो है वो सिलाई के ऊपर आएगी। आप सबके जो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं तो वो ब्लाउज रेड वाली की कल मैं कटिंग आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरा मन हल्का हुआ थोड़ा सा आप सबसे बात की तो आप अगर ममा अर्थ के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि सेल वहाँ पर लगी हुई है और बाय वन गेट वन फ्री इस मौके का फ़ायदा उठाइए। OMG सेल है तो जल्दी से जाइए, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ यही बातें शेयर कर दूं, और कोई नहीं था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और मैं ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दांत में दर्द हो रहा है तभी भी मैं इतना बोल रही हूँ, दर्द नहीं होता तो कितना बोलती। मतलब मेरे हस्बैंड ना यही पूछते रहते हैं मेरे से कि तुम क्या खा के पैदा हुई हो, बता दो क्या खा के पैदा हुई हो तुम। तो बस वही है, दांत का दर्द, तो दांत का दर्द, ज़िंदगी का दर्द, सब कुछ दर्द, दर्द ही दर्द। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में और सिलाई की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना मेरा सबका ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गंवार मत बोलिए।